थाना बोगांव क्षेत्र में एक व्यक्ति की जगह में निकासी को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई, जिसमें पति पत्नी समेत अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। पूरी घटना थाना भोगांव क्षेत्र के मोहल्ला मुरली नगर से जुड़ा है। यहाँ के रहने वाले जय कुमार पुत्र इंस्पेक्टर सिंह की अपनी व्यक्तिगत जगह है, जिसमें विपक्षियों द्वारा निकासी की जा रही है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो गया था, जिसके बाद विपक्षियों की ओर से जय कुमार और उनकी पत्नी दीक्षा समेत अन्य लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसमें जय कुमार और अन्य लोग घायल हुए। तत्काल उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ जिला अस्पताल में चिकित्सकों की ओर से उनका उपचार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चिकित्सकों की ओर से उपचार किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले भी? थाना कौन सा लगता है? अच्छा, आप भी इतने चोट आई हैं, आप जो जिला अस्पताल उपचार के लिए आई है, क्या समस्या है? कौन कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट किया आपके साथ? कहाँ के रहने वाले सब? आपके गांव के? अच्छा, आपने कोई थाने में तहरीर नहीं दी? अभी शिकायत की थाने में? अच्छा, कितने लोग घायल हैं? तीन चार लोग। कौन कौन लोग हैं? मेरे पिताजी, मेरी बहू, मेरी मम्मी। और जो लोग मारपीट किए, ये लोग क्या है, समय थाने में है कि नहीं इस समय? अभी नहीं, वो इधर उधर भाग गए। अभी किस समय घटना की? 7 बजे आज सुबह। किस समस्या को लेकर लड़ाई की थी? वो जगह थी, इसलिए उसी पे मैं धीमे उसी पे मैं भर रहे थे, वो भरने नहीं देते थे और उनका गेट उधर था, वो उधर कर रहे थे गेट। इसी जगह आपकी जगह में गेट निकाल रहे थे? हाँ, मेरी जगह में।